गुड मॉर्निंग। आज शब्द कम पड़ जाएंगे शायद। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं कि मुझे आज सक्सेस डे में बोलने का मौका मिला। कभी मैं भी पीछे बैठ के सोचा करती थी कि एक दिन मैं भी बोलूँगी, तो सर ने तो पहले मुझे ही बुला लिया। नाम रूपा सैनी। फॉरएवर में जो मेरी जर्नी है वो 5 साल की है, और फॉरएवर में मुझे कैसे कामयाबी मिली और मैं यहाँ तक कैसे पहुँची उसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी मेरी पहली लाइफ क्या थी और आज मैं कहाँ पहुँची हूँ। फ्रेंड्स, फॉरएवर में आने से पहले मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। मेरी फैमिली में हम 5 लोग हैं, मैं, मेरी मॉम, 3 छोटे भाई बहन, और लगभग 15 साल बीत चुके हैं। मेरे फादर हमारे बीच में नहीं रहे। बड़ा होने के नाते पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ गई और घर में ही रह के छोटा मोटा काम करना शुरू किया। घर में सिलाई का काम किया करते थे और उसके अंदर जो टेडी बियर्स के कवर होते हैं उनको सिलने का काम करती थी, और साथ में ही जो हमारे डोर के हैंडल्स होते हैं उनको क्लीन करने का काम किया करते थे, और डेली के ज़्यादा नहीं 40 से 50 रुपये ही कमाती थी। और इसके बाद 8-9 महीने ऐसे ही बीते। उसके बाद मेरे को एक नौकरी मिली 1300 रुपये महीने की, और मैंने उस काम को करना शुरू किया एज अ टेलीकॉलिंग। अंडर 18 थी तो ज़्यादा सैलरी नहीं मिल पाई इस वजह से, और लगभग 4 साल बीत गए इसी काम को करते करते। सोचती थी कुछ बेहतर कर पाऊँ लेकिन रास्ता नहीं दिखता था कभी भी। मैं ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ, और 4 साल के बाद मैंने ICICI प्रोडेंशियल में एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र वर्क करना शुरू किया। 12th पास को ये वर्क मिल जाता है। 3 साल लगभग ये काम मैंने किया। इस काम को करने के बाद ज़्यादा इनकम नहीं बढ़ी, छोड़ दिया। उसके बाद लोन में काम करना शुरू किया HDFC के साथ। डोर टू डोर मार्केटिंग की मैंने। बार बार काम इसलिए बदल रही थी कि शायद ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाऊँ, मेरी इनकम ज़्यादा बढ़े। लेकिन 9 साल मेरी ज़िंदगी के बीत गए, और इन 9 साल के अंदर भी मेरी इनकम 1300 रुपये से शुरू होके 9000 पे ही आके रुक गई। सोचती थी अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले 9 साल या 10 साल के बाद मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं होगी, और जब मैं कुछ नहीं होंगी तो मैं अपने परिवार को क्या दे पाऊँगी। तलाश करती थी कुछ बेहतर हो, और ये इसलिए सोचती थी कि कुछ नहीं मिल पाएगा आगे। 10-15 हज़ार आज मिल रहा है, आने वाले टाइम में 20 हज़ार की इनकम हो सकती है 10 साल के बाद, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और मेरे आसपास मैं ये देखा करती थी, मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, अच्छी डिग्री डिप्लोमा उनके पास है, लेकिन फिर भी उनके पास एक अच्छी जॉब नहीं है, एक अच्छी सैलरी, उनको भी आज तलाश है उस चीज़ की, तो मेरे जैसी लड़की कहाँ पहुँच पाएगी। और लाइफ में ऐसे भी दिन देखे हैं, 5 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती है आज की डेट में, लेकिन 5 रुपये ना होने की वजह से मैं 4-4 घंटे पैदल भी चली हूँ। ज़िंदगी में ऐसे भी दिन देखे मैंने नौकरी करते करते, ना जाने कितने दिन तक भूखे भी रहे हैं। दो वक्त की रोटी भी नहीं होती थी क्योंकि हम लोग किराए पर रहते थे। खाने से पहले किराया देना ज़रूरी है, अगर किराया नहीं दिया जाएगा तो आपको घर में नहीं रहने दिया जाएगा। 2011 आया मेरी ज़िंदगी में, और मैंने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को शुरू किया। देखा समझा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, कोई नॉलेज नहीं थी, और 5-6 कंपनियों को मैंने ज्वाइन किया, जिसने जैसा बोला वैसा समझ आया और करना शुरू किया, क्योंकि ज़्यादा पैसे चाहिए थे इसलिए। और जब करना शुरू किया, किसी में 1 महीना, किसी में 2 महीना, 4 महीना काम किया, कुछ समझ नहीं आया, और 1 साल बीत गया। बीच में 1-2 कंपनियां बंद भी हो गई। मम्मी ने कहना शुरू कर दिया कि बेटा इसमें कुछ नहीं रखा है, एक काम करो, वापस से अपनी नौकरी शुरू कर दो, टाइम बर्बाद मत करो।
ठीक है, वापस से नौकरी करना शुरू किया मैंने। और 2012 में जब मैं नौकरी कर रही थी तो मेरी मुलाकात 6 नवंबर 2012 को मेरे अप्लायंस हुई जवाहर सिंह साकिया जी के लिए। एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग चाहूँगी। सर मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर बार बार प्रोडक्ट ही समझा रहे थे लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। और सर ने एक बात बोली, मैडम ये प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा, और अगर आप जो फ़ायदा बताते हो लोगों को तो पैसे भी आएंगे। जैसे ही सर ने पैसे का नाम लिया मेरे माइंड में कुछ मैसेज गया, ठीक है पैसा मैं कर सकती हूँ। तो अनजाने में ही सी फॉरएवर के वंडरफुल प्रोडक्ट्स मेरे घर में आ गए। मैंने तूत जेल और एलोबेरी नेक्टर को इस्तेमाल करना शुरू किया, और जब मैंने यूज़ करना शुरू किया नेक्टर को तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट महसूस हुए 1 मंथ के अंदर। और मेरी बैक में काफ़ी पेन रहता था, जब मैं छोटी थी तो गिर गई थी, और 10 साल बीत गए थे इस बात को, ना तो ज़्यादा देर खड़ी हो पाती थी ना ज़्यादा देर बैठ पाती थी। और उस नेक्टर ने 1 मंथ में मेरे को पेन में काफ़ी रिलीफ दिया। तो मुझे एक चीज़ का मुझे ये बिलीव हो गया था, रूपा कुछ अच्छा हो या ना हो ये प्रोडक्ट तो काम करता है। और इसके बाद सर ने कहा आप ऑफिस आइए, मैं ऑफिस आई। ऑफिस आके नारायणा ऑफिस में मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, नॉलेज ली। और जब मैं ट्रेनिंग लेके बाहर निकली एक चीज़ समझ आई मुझे, पहला यहाँ पैसे नहीं लगाने, ये फ्री की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ यहाँ कोई पैसा नहीं लगाने, ये बिजनेस बिना पैसे के भी चल सकता है। दूसरा पता चला, मैं देख रही थी कि यहाँ पे फॉरएवर में वो लोग भी कामयाब हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास अच्छी डिग्री नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें लिखना भी नहीं आता, वो भी यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए कमाते हैं। मुझे बिलीफ आया और मुझे एक बात समझ आई कि ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 9 साल में तू 9,000 पे पहुंची थी, अगर फॉरएवर में 5 साल दे देगी ज़्यादा नहीं तो 40 से 50 हज़ार रुपये पे तो पहुंच जाएगी। ये बिलीफ मुझे हो चुका था। और मैंने फॉरएवर में काम करना शुरू किया। 1 मंथ के अंदर मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ और एक बहुत अच्छी इनकम मुझे आई, 1329 रुपये 2 पैसे। ₹1300 से ज़्यादा मुझे 29 रुपये की खुशी थी, क्योंकि जब 2002 में मैंने नौकरी करना शुरू किया था 1300 रुपये तब भी मिले थे, लेकिन इस 1300 रुपये में एक पॉजिटिविटी मुझे मिली थी, 29 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ था मेरे साथ। दो हज़ार बारह खत्म हुआ, 2013 आया, एक बेहतरीन लेवल मिला मुझे सुपरवाइजर लेवल, और जो मेरी इनकम थी उसमें 21,536 रुपए का मेरा चेक आया। और मैंने 20,000 रुपए उसी समय पहली बार अपने हाथ में देखे थे, 20,000 रुपए होते कैसे हैं, मुझे नहीं पता था कि कैश में 20,000 रुपए लगता कैसा है। यहां से फॉरएवर में मेरी जर्नी शुरू हुई, मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। 1 साल बीत गया फॉरएवर में, मैं सुपरवाइज़र रही। 2 साल बीत गए सुपरवाइज़र ही रही, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती हो, इसी लेवल पे 2 साल से हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, एक काम करो नौकरी कर लो। घर में मम्मी ने भाई बहनों ने बोलना शुरू कर दिया, वही छोटे भाई बहन जो कभी कुछ नहीं बोलते थे आज वो बोलने लगे थे। मम्मी को लोग बोलने लगे थे तुम्हारी बेटी पागल हो गई है, ये सब ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होगा। ऑफिस आती थी, अकेले आती थी, कोई मेरे साथ नहीं होता था, फिर भी मैं डेली ऑफिस आती थी, मैंने निरंतर ऑफिस आना रखा, कभी छोड़ा नहीं। 3 साल बीत गए सुपरवाइजर ही रही, 4 साल बीत गए मैं सुपरवाइजर ही रही। ये बहुत टफ वर्क था उस समय मेरे लिए, मेरी टीम बार बार बनती गई और बार बार बिखरती गई, लोग छोड़ के चले गए,
कहते थे मैडम जब आपकी अचीवमेंट नहीं हो रही है तो हमारे के साथ आप क्या अच्छा कर पाओगी, खुद की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप हमें कैसे आगे लेकर चल पाओगी। लेकिन मेरे अंदर बिलीव था, जब लोग ये कहते हैं ना तुम कुछ नहीं करते, मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आती है, ये काम मैं ही कर सकती हूँ। जिंदगी में कभी भी रुकना नहीं सीखा है, जब भी अगर मैं रुक जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि नहीं, जिंदगी का नाम चलना होता है और हमेशा चलते ही रहना जिंदगी होती है। रुकने का मतलब सिर्फ इतना होता है जहां तक मैं पहुंची हूँ, अगर मैं रुक जाऊंगी तो शायद मैं जहां तक 4 साल में पहुंची हूँ उससे भी पीछे चली जाऊंगी, इसलिए आगे बढ़ना था और मैं आगे बढ़ी। मेरी जिंदगी के अंदर वो खूबसूरत दिन भी आया जिसकी मैं हमेशा वेट कर रही थी, एक ड्रीम लेवल। फॉरएवर में जब हम आते हैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से हमारा काम शुरू होता है और मैनेजर बनने के बाद फॉरएवर में कामयाबी शुरू होती है। और 2017 आया, 2017 के अंदर एक महीना बीत गया, 2 महीने बीते, 3 महीने बीत गए और एक लेवल जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर लेवल कहते हैं वो लेवल भी मेरा 4-5 CC से 3 महीने तक लगातार छूटता गया। धैर्य रखा और जब अप्रैल के अंदर मेरा असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ, हमें 75 CC चाहिए होते हैं और जो मेरा मैनेजर AM क्वालिफाई हुआ उसके अंदर मेरा 85 CC से AM क्वालिफाई हुआ। और इसमें जो मेरा इनकम आई थी वो 38,500 रुपये का मेरा चेक आया था AM लेवल पे। फाइनली मेरा ड्रीम लेवल मुझे मिला मई के अंदर, 30 मई को मेरा ड्रीम लेवल मैनेजर क्वालिफाई हुआ। 120 CC से हम मैनेजर बनते हैं फॉरएवर में और मेरा 143 CC से मैनेजर क्वालिफाई हुआ। मैं यहाँ पे सोच के आई थी कि 40,000 से 50,000 भी आएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब मैनेजर बनने के बाद मेरा पहला चेक आया 78,402 रुपये का मेरा चेक आया। TDS कट गया था, TDS कट गया था ये अमाउंट। और खुशी इस बात की होती है कि जो मैं पहले तनख्वाह में कमाती थी, मेरी मंथली इनकम हुआ करती थी उससे ज़्यादा तो आज TDS कट जाता है, इस बात के लिए खुशी है। अभी एक छोटी सी शुरुआत है मेरी फॉरएवर में और अभी बहुत कुछ करना बाकी है, एक अच्छी टीम बन रही है। पहले लोग बोला करते थे कि आपका, मेरी मम्मी को बोलते थे आपका अगर बेटा होता ना वो घर को संभाल लेता, लड़की है देखेंगे क्या करेगी। आज वही लोगों की बातें बदल गई हैं, वो कहते हैं ये लड़की थी जो आपका घर संभाल लिया, बेटा होता तो पता नहीं क्या करता। मेरे तीनों भाई बहन मुझसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज की डेट में उन तीनों से ज्यादा मैं कमाती हूँ। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पति का, पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान, उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर अगर मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती और मुझे ये मौका ना मिलता। और आखिरी में एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पंछी से पूछा कैसे बनता है आशियाना, उसने बोला भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारे कंपनी के ऑनर रेक्समोन सर का, जिन
जिन्होंने हमें इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट दिए, जिन्होंने आज मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे फॉरएवर मिला। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी, हमारे बीच में आज सर मौजूद हैं, हमारे कंट्री हेड, मुझे आज उनके सामने बोलने का मौका मिला। और मैं सर को थैंक्स करना चाहूँगी, हमारे कंट्री हेड हरीश सिंगला सर जी के लिए प्लीज़ एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरे सभी ग्रेट अपलाइन, सुनील गुप्ता सर, मिरन रॉय सर, संदीप साकिया सर, राजकुमार सर, एम के सैनी एंड जवाहर सर के लिए एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग। मैं थैंक्स करती हूँ हमारे सभी नेट कोर्स ट्रेनर, हमारे सभी ट्रेनर्स, जिनसे मैंने ये जो कुछ भी सीखा है, उनकी बदौलती, उनकी नॉलेज, ट्रेनिंग्स फॉरएवर की हमें इस काबिल बनाती हैं। हमारे अंदर काबिलियत होती है पर वो निकल के नहीं आ पाती है। और ये सब जो आज बोल पाई, ये मैंने सब कुछ यहाँ से अचीव किया, यहाँ से सीखा। अगर एक शब्द भी मैंने कभी भी किसी से सीखा है, उन सबको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना, थैंक यू।